आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजरायल ने आधिकारिक तौर पर हमले की घोषणा कर दी है। इजरायल इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच 48 घंटे के बाद भी संघर्ष जारी है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में इजरायल की वायुसेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि इजरायल ने अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार बम और इंटरसेप्टर की मांग की है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर इजरायल का समर्थन किया है। अमेरिका समर्थन दिखाने के लिए इजरायल के करीब कई सैन्य जहाज और विमान भेजेगा। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजरायल की मदद के लिए तैयार रहने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में जाने का आदेश दे दिया है। स्ट्राइक ग्रुप के बेड़े में कई जहाज और युद्ध के विमान शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर अमेरिका बारीकी से नजर रखे हुए है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के हमले में लगभग 700 इजरायल लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।